अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे आप सब लोग। तो वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो और आप सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरी तरफ से। आपकी लोगों की तरफ क्या मॉर्निंग है, नाइट है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, जो भी है, व्हाटएवर, तो एक ही बात है, ठीक है। मतलब मैंने आपको बोल दिया तो मतलब आप एक्सेप्ट करो यार इस चीज़ को। तो एंड हाउ आर यू, कैसे आप सब लोग। तो वेलकम करते हैं आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो में, एक टोटली न्यू वीडियो में, न्यू एक आईडी के साथ। बिल्कुल मतलब कहने का ये है कि जो मैं पुरानी वीडियोस डालता हूँ ना उनसे लाइक एक न्यू वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम इस्तकबाल किया जाता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं नहीं पता यार, जो भी है। तो ठीक है आपका वेलकम किया जाता है नई वीडियो में। तो हमारे सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ, हमारे हो चुके हैं 60K सब्सक्राइबर, मतलब कि 60,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और अपना जो माइंड सेट है वो मतलब अपना जो हमने एक गोल रखा हुआ अचीव करना है, बस कुछ भी हो जाए, वो है 100K सब्सक्राइबर। तो मतलब उसमें से 60% हम कंप्लीट कर चुके हैं, 40% रह चुके हैं। आजकल आप लोग ना जरा ठीक है सब्सक्राइब कर नहीं रहे, जरा अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मतलब कर दिया करो भाई, समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से बुरा लगता है भाई, समझ के बोल रहा हूँ यार। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत हिंदी में फिर नहीं मुझे आता, सॉरी। हिंदी मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे लाइक 55% लोग इंडिया से देखते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है ना, ठीक है, वो ऐसा है कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई हमें ये बताओ आप यूट्यूब पे कैसे आए, कब आए, किसने लाया, क्यों आए, क्या 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 बला बला, जो भी है सब कुछ, ठीक है। तो मैं आज वो बताऊंगा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग, और इसके एक अजीब तो नहीं मतलब कि डिफरेंट बोल रहा, हाँ डिफरेंट, और एक मोटिवेशनल, मतलब कि इसमें बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगी ऐसे, मतलब ठीक है ना। तो बाद में जो भी होगी वो करूँगा एक ही सांस में, एक ही लाइक फ्लो में, एक ही वीडियो में, ऐसा नहीं क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिख के बैठा हूँ या कोई कट डालूंगा ये वो, जो भी है। तो वहीं से बात शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है, ठीक है, आज से अराउंड अबाउट 10 साल पीछे चले जो, मतलब अभी 2022 का एंड हो रहा है, 2023 आ गए तकरीबन, तो 10 साल पीछे चले जो 2013 की बात है। तो 2013 में था मैं, तो क्या था, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। 2013 की बात है, तो इस तरफ आ जाते उसी के साथ ही, 2013 में मैं 13 साल का था, ठीक है। तो मैं ऐसे क्रिकेट खेल के आया, ठीक है यार, इधर थोड़ा रंग काला, खैर कोई बात नहीं। तो मैं 2013 में क्रिकेट खेल के घर आया, और जैसे एक 13 साल का बच्चा होता है उसका क्या माइंडसेट होता है, क्या नहीं, सबको पता है वो कितना क्या होता है, जो भी है ना, मैं इतना डिटेल में जाने वाला नहीं हूँ। तो मैं ऐसे ही ना, लैपटॉप होता था मेरे पास एक, तो बड़े भाई का लैपटॉप, उसमें मैं ऐसे खोला तो आगे वीडियो शीडियो देख रहा था लैपटॉप पे, यूट्यूब खोल के जो भी आती हैं। तो जैसे मैंने यूट्यूब खोला तो आगे क्या हुआ, मतलब मुझे एक ऐसी वीडियो आई जिसपे लिखा हुआ, जिसका टाइटल और थंबनेल था कि भाई यूट्यूब पे वीडियो डालो लाखों रुपए कमाओ। मैं लाइक सच्ची में लाखों कमाओ, मतलब यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो डाल के लाखों कमाने हैं, तो फिर भाई हम क्यों मतलब पीछे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम भी पीछे रह जाए, हमें भी लाखों कमाने हैं। तो खैर वापिस चलते, इधर जरा ज्यादा रंग काला आ रहा है। तो आप लोगों से, तो क्या हुआ कि अब YouTube पे जब मैंने देखा कि अच्छा लाखों कमाओ YouTube पे वीडियोस डाल के, तो मुझे आइडिया है कि यार क्यों, मतलब मैं क्यों नहीं कमा सकता, हमें भी तो वीडियो डालने में क्या है, बस वीडियो तो अपलोड करने है, लाखों भाई, एक बच्चों वाला माइंड था 13 साल के में जो होता है। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने ना एक वीडियो थी कहीं से मेरे मोबाइल में थी, किसी ने व्हाट्सएप पर, फनी टाइप वीडियो थी, बच्चों की थी, मतलब बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो जो भी फनी टाइप होती है ना, तो वो मैंने उठा के यूट्यूब पर डाल दी, ठीक है। वो वीडियो से मैंने सीखा सारा कुछ, यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाते हैं, कोई 26 मिनट के ना, उस पर एक पार्ट होता था और उसने 10 पार्ट डाले हुए थे, मतलब 26 मिनट का एक पार्ट, 10 पार्ट मैंने इसे टोटल देखे उसके। तो क्या था, वो मैंने सारी देखी वीडियो, सारा चैनल बनाया, सब कुछ किया, सब कुछ करके डन हो गया, मैंने ऐसे वीडियो अपलोड की। तो अब मुझे ये था कि शायद वीडियो अपलोड करते ही मतलब पैसे आना शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उस पर व्यूज़ भी होते हैं, उस पर सब्सक्राइबर भी होते हैं, लाइक सब जो भी होता है, शेयर वगैरह ये भी होता, कुछ ये भी कुछ चीज़ें होती हैं, ये भी किसी ब्लॉग का नाम, इतना कोई खास पता नहीं था। तो मुझे ये था बस वीडियो डालनी है, पैसे आना शुरू हो जाने। तो वीडियो डाली, हम उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, कोई 10-15 बार तो वीडियो मैंने खुद ही देख ली, तो वही 10-15 व्यू ऊपर शो हो रहे हैं, कर रहा हूँ, तो वहाँ पर डॉलर का साइन बना हुआ था, कर रहा हूँ वहाँ पर 0000। मैं कह रहा हूँ यार पैसे बढ़ नहीं रहे, मतलब मेरे पास पैसे आ नहीं रहे, क्या चक्कर है, उसने तो कहा था ऐसे ऐसे वीडियो डालो लाखों कमाओ। तो खैर कोई नहीं, मैंने कहा 1-2 दिन सब्र कर लेते हैं, कोई नहीं, अगले दिन भी वही 15 व्यूज़ खुद देखी हुई थी, अगले दिन उससे अगले दिन वो 30-40 बार खुद और देख ली, तो वो 70 व्यूज़ हो गए, इतने तकरीबन हो गए। तो कोई नहीं, कोई पैसा नहीं आ रहा, तो मैंने कहा यार क्या फजूल बंदा यार, इसने मेरा इतना टाइम ज़ाया कर दिया, मतलब कि उसकी वीडियोज़ को मैंने 10 पार्ट देखे हैं 26 मिनट के, तो ये क्या, मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिला, झूठा बंदा यार ये वो। तो दिल थोड़ा सा ना टूट गया, मतलब कि आप जाहिर है जो भी होता है। तो खैर ना, फिर करते करते ना मेरे अगर यूट्यूब पे आई, तो फिर ना आगे एक वीडियो ऐसी आई, उस पर लिखा हुआ था कि उस पर रियल टाइम लिखा हुआ था कि यूट्यूब कितने व्यूज़ पे कितने पैसे देता है। तो मैंने कहा अच्छा व्यूज़ का चक्कर है इसमें, तो व्यूज़ पे पैसे मिलते हैं,
तो मैं आया, मैंने जैसे यूट्यूब खोला अपना, मतलब वो वीडियो खोली, उसमें बताया उसने ये, तो तब थोड़ा बहुत मेरे माइंड में लगा हाँ ऐसे होता है, तो वीडियो से डालो उस पर व्यूज आओ फिर पैसे मिलते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उस पर लाइक वीडियोस, अब मैं कैसे, मुझे ये नहीं पता वीडियोस आप नहीं होनी चाहिए ना, तो मैंने उसको गूगल से डाउनलोड करके, जैसे पहले तो मैं सही बात है मुझे पता नहीं था, तो मैं गूगल से जाकर यूट्यूब सर्च करता था, फिर यूट्यूब पे जाता था, तो मैं वहाँ से वीडियो डाउनलोड करता, मैं यूट्यूब पर अपलोड कर देता। अब वो कॉपीराइट जो होती है ना, मतलब ज़ाहिर उसका ऑनर तो कोई और होता था, तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती, उस पर कुछ भी हो जाता लाइक जो भी था, मुझे वो समझ नहीं आया। मैंने कहा यार ये बंदा भी झूठा है, ये बंदा कहता है वीडियोस पे व्यूज़ आए तो ये है, तो वीडियोस डालता तो उस पर व्यूज़ क्या, वो तो वीडियो डिलीट हो जाती है। अब मुझे क्या पता था मैं किसी की वीडियो चोरी करके डाल रहा हूँ। खैर वो भी सब कुछ होता गया, फिर आहिस्ता पता चला कि नहीं यार वीडियोज़ अपने हों, उन पर व्यूज़ हों, उनके पैसे हैं। अच्छा अब अपनी वीडियोज़ कैसे बनाई जाए, अपनी वीडियो कैसे बनाई जाए। तो मेरा एक कज़न था, ठीक है उमर, तो वो था, एक दो दोस्त था, तो मैंने कहा यार चलो हम ना अपनी वीडियोज़ बनाना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे यूट्यूब पर डाला करेंगे, तो चलो ठीक है। तो हमने क्या किया, मतलब वीडियो बनाना शुरू कर दी, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ बीच में। तो हमने थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई, तो वो अपलोड करना शुरू की। अब उन पे जाहिर है हमें कोई जानता नहीं था, तो व्यूज़ आते नहीं, एक नए बंदे के लिए कितना मुश्किल होता, तो व्यूज़ आते नहीं थे, तो मैंने अपलोड करके छोड़ दी, बस इतनी सी बात थी। वो वीडियोज़ ये वाली हैं। अबे पागल है, अबे चल जा, अब क्या देखता है। अब बोल जो बोल रहा था। शेख साहब इसे मैं देखता हूँ, ये मेरी टोपी पकड़ो, ये मेरा मोबाइल ऐसे पकड़ो, ये मेरी चाबी, और एक मिनट ये घड़ी भी मेरी पकड़ लो, ये पकड़ो, मैं अभी देखता हूँ, मैं ऐसे देखता हूँ। ये किधर गया? अब तेरा क्या होगा कालिया, नकली गन दिखाता है। अच्छा नकली बोलता, हर इस बात को अब साल सुल काफी देर ऐसा गुजर गया था, इस मेरे जो प्रोसीजर चल रहा था ये 2013 से लेकर अब 2018 आ चुका था, तो लाइक 5 साल गुजर चुके थे इस सारे को सुनाने में, तो इतनी सी बात थी, लेकिन 5 साल इसमें गुजर चुके थे। तो खैर कोई नहीं, मैंने इतना कोई इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया कि यार यूट्यूब पे तो कुछ है ही नहीं है, तो फजूल है ये हुआ जो भी है ना। खैर थोड़ी बहुत नॉलेज और भी आती गई जैसे जैसे बड़े होते गए, यूट्यूब की मतलब इंटरनेट की दुनिया को थोड़ा जानने लगे, तो पता लग गया कि हाँ अच्छा। तो 2018 से करते करते फिर कोई वीडियो डालना शुरू की, कोई इतना खास रिस्पॉन्स नहीं आया। 2018 भी गुजार दिया, 19 भी गुजार दिया, 20 भी गुजार दिया, 20 के बाद आया 21, बल्कि 20 का एंडिंग आया तो हमारे पास सही पबजी गेम, जो पबजी मोबाइल है वो खेलनी स्टार्ट की। तो अब जैसे वो खेलता था ना, तो वहाँ पे फिर यूट्यूब पे ना मुझे ज़ाहिर है जो चीज़ बंदा देखता है उसको वही आते रहे, तो मुझे फिर यूट्यूब पे वीडियोज़ आने लगी पबजी की, गेम पे ये कैसे इंप्रूव कैसे करें, कैसे अच्छा खेलें ये वो, तो लाइव स्ट्रीमिंग लोगों की मुझे आने लगी जब वो लाइव खेलते थे। फिर मैंने वहाँ पे देखा कोई अब तो लाइव खेल के लोग पैसा कमा रहे, और पबजी एक ऐसी चीज़ वायरल हो रही थी उस टाइम पे, बड़ी फेमस हो गई थी, तो सब लोग खेल रहे हैं, क्रेज़ का ट्रेंड बन गया, तो क्यों ना मैं भी इस गेम को खेलूं, तो मैं भी इसकी वीडियोस डाला करूंगा ये वो। तो मैंने गेम खैर खेलना शुरू की, मैंने कुछ वीडियो शुरू बनाई, लेकिन ज़ाहिर है मैं नया नया था उस गेम में, मुझे इतनी अच्छी खास आती नहीं, तो कोई मेरी गेम क्यों देखेगा वो एक बंदा इसको खेलना भी नहीं आता। तो खैर कोई नहीं, वो भी टाइम गुजरा, थोड़ा बहुत उस गेम पे फोकस किया, थोड़ा बहुत सही उस पे लाइक अपना मतलब कि बंदा प्रोफेशनल होता है ना जैसे, तो मैं प्रोफेशनल अपना होगा उस गेम में। तो फिर वहाँ पे उसकी वीडियो डालना शुरू की, लाइव स्ट्रीम में उसकी स्टार्ट की, ठीक है। एक अपने साथ एक लड़का था अपना, माजिद भाई है जो FM रेडियो, वो उनके साथ मिल के लाइव स्ट्रीम में स्टार्ट की, वहाँ से थोड़ी बहुत सपोर्ट आती गई, तो वहाँ से थोड़े बहुत सब्सक्राइबर लोग जाने लगे, आहिस्ता 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 जाने लगे। तो वो फिर ज़ाहिर एक स्लो प्रोसीजर था, जैसे मतलब एक बंदा होता है ना जैसे कह लो क्या, जैसे घास बड़ा होता है तो उसको पता नहीं चल, हमें पता नहीं चलता घास बड़ा हो रहा है, तो वैसे ही वो था, यूट्यूब मेरा ग्रो हो रहा था लेकिन मुझे इस तरह पता नहीं चला, क्योंकि वो स्लो बढ़ रहा था ना, तो हो रहा था बढ़ते है सारा कुछ चला गया, टाइम में गुजर गया। उसके बाद लाइक अच्छी खासी मेरी एक पहचान बन गई थी अपने स्क्वाड के साथ, जो भी गेम में हमारा नाम था FM करके, तो सियालकोट लाहौर आगे पीछे काफ़ी लोग जाने लग गए थे, मतलब जिस भी गेम में मैं जाता था खेलने तो उस गेम में लोग जाने लग गए थे, अच्छा ये वो है ये वो लाइव स्ट्रीम करता जो भी है। तो यहाँ से मतलब मेन स्टार्ट जो मेरा हुआ ना, जिसको आप डेब्यू बोल लो, वो यहीं से आके हुआ। पहले तो ट्राई मारता रहा, तो फेल होता गया बहुत। उसके दौरान मैंने बताया आपको, एक साल के अंदर मैंने मतलब 2013 से लेकर 2020 तक 7 साल बनते हैं, इनमें मैंने बहुत ट्राई की, इसमें मैंने टेक्निकल चीज़ों पर भी रिव्यू देना शुरू किया। इसके बाद मेरे जो न्यूज़ें देते हैं
के यूट्यूब वाले के ये हो गया, उस यूट्यूबर ने ये किया वो किया, ये भी शुरू किया। उसके बाद मैंने कंट्रीज़ के बारे में भी, जैसे वो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ होती हैं, मैंने वो भी बनानी बनाई, काफ़ी बनाई मैंने। उसके बाद जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया मैंने, वो बनाने शुरू की। फिर बीच में मुझे व्लॉग तो नहीं है, वो कुछ ये था ब्यूटीफुल सीन्स रिकॉर्ड करना, उसके ऊपर म्यूज़िक लगा कर वो अपलोड करना शुरू किया। इस 7 साल के बीच में मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कोई भी इशूज़ कुछ भी नहीं आया मुझे। तो करते करते ना खैर वही पबजी ने मुझे जब ट्रेंड आया, तो पबजी ने अच्छा खेलने लगा, पबजी ने मुझे उठाया, थोड़ा पुश किया उस चीज़ ने, सब्सक्राइबर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। फिर जाके तकरीबन जब मैं इधर आया हूँ, 7 महीने पहले मैंने जाके, ये 7 महीने पहले जो मतलब गुजरे अभी, तो 9 महीने पहले फिर मैं जब ऑस्ट्रेलिया इधर आके मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो इधर जब मैं आके व्लॉगिंग स्टार्ट की, तो यहाँ पे तो टोटली यूट्यूब ने एक अलग ही पुश दिया मुझे, एक अलग ही एक लाइक मज़ा आ गया उससे। तो ऐसे मेरी वीडियोज़ पे ऐसे 1 लाख व्यू गया, दूसरी पे 1 लाख व्यू गया, तीसरी पे 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, तो व्यूज़ आना शुरू हो गया ऐसे। मतलब कि जितना भी 10 साल का लेके एक सफ़र बनता है बोल लो, तो इसमें ऐसा था कि इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो कभी किसी बिना लालच के किया कि नहीं मैं इससे पैसे कमाऊंगा ये वो। शुरू में ये था कि वो एक जो वीडियो देखी थी मैंने, उसमें हाँ लाखों कमाओ, तो वहाँ से होता ही ऐसे, वो 13 साल का था, तो उसमें अच्छा लाखों कमाओ तो फिर क्यों नहीं कमाए। तो वहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ था आहिस्ता आहिस्ता, फिर यहाँ पे आया कि यार चलो अपने शौक डाल गया इस चीज़ का, क्योंकि अगर पैसे की होता तो जैसे मैंने पहले बताया कि पैसे का होता, अगर लाखों कमाने से तो ये वो, तो वो मैं कब का छोड़ चुका होता। फिर वो जो था एक तो वो पैसों की जगह वो शौक में तब्दील हो गया, तो वो शौक पूरा करते करते आज इधर आज गए। तो यही एक छोटी सी स्टोरी थी, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मतलब ज़्यादा लंबी मैं करना नहीं चाहता था कि मैं आपको अब हर डिटेल में चीज़ बताऊँ तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो यही एक शॉर्ट स्टोरी थी, तो बाकी वो वीडियोज़ भी आपने देखी नहीं है जो मैंने पहले बनाया करता था, मतलब वो सारी हैं अभी भी, कुछ मैंने डिलीट कर चुका हूँ। तो ये एक छोटी स्टोरी थी। और मेन क्वेश्चन के अभी तक आपने, मतलब लोग ज़्यादातर पूछते हैं यूट्यूब से आप कितने कमाते हो, मतलब मंथली यार कोई फिक्स नहीं होता है, इसका वीडियोस पे डिपेंड करता है, अगर जितनी वीडियो डालूंगा उतने व्यूज उतने पैसे, तो वो उतना हाई डिपेंड नहीं करता। मेन जो चीज़ है ना, मैं आपको रियली बता देता हूँ कि अब आज तक, तो मैं तो ज़्यादा 2013 तक अगर मैंने स्टार्ट किया तो मैं वहीं से काउंट करूँगा, तो 2013 से लेकर ना अभी तक 2022 खत्म होगा, 23 लगा लूँ, तो इसमें मैंने तकरीबन $4,500 बनाए हैं यूट्यूब से, जो यूट्यूब मुझे दिखाता कितने आप बना चुके हो। मुझे नहीं पता मुझे इतने मिले भी हैं नहीं मिले हैं, इससे ज़्यादा मिले हैं, जो यूट्यूब के पेज वेश होते हैं मैंने वो आपको लाइफ टाइम का बता दिया। तो नॉट बैड, उसकी बात आखिर सच्ची होगी कि यूट्यूब पे लाखों कमाओ, ये नहीं बताया था उसने कि हर महीने कमाओ या 10 साल में इतने अपने कमाने हैं। खैर कमा तो लिए ना, खैर अब वही बात की यार, कमाने की बात नहीं, व्यूज़ पे डिपेंड, व्यूज़ कह रहा हूँ, शौक की बात है कि शौक के लिए डाल देता हूँ, व्यूज़ का भी इतना कोई नहीं है के व्यूज़ आए ये वो, तो बस आप सबसे बस आप प्यार है तो आप लोगों के लिए डाल देता, आप लोगों को मैसेज आते रहते भाई वीडियो नहीं वीडियो नहीं, तो फिर कर देते हैं वीडियो, तो इंशाल्लाह आप रेगुलर वीडियो करेंगे तो ब्रांड में आप सामने। तो हर वीडियो में मोटिवेशन ये है कि यार अगर आपको किसी चीज़ के पीछे पढ़ना है ना, तो बस फिर मतलब अच्छी तरह पढ़ो, वरना वो शुरू करते ख़त्म कर दो तो वही बेटर है। तो बस इतनी सी वीडियो थी मेरी। तो खैर अभी क्या है कि अभी मुझे 2-3 काम है, बल्कि 2-3 काम से पहले जो एक काम है वो ये है कि अपनी गाड़ी को वैक्यूमिंग करनी है, इसके अंदर से सारा गंद कचरा निकालना है, इतनी गंदी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितनी भी है तो वो साफ़ करना है। तो ये भी दोनों गाड़ियाँ मैंने बाहर निकाल ली है कि ये कि अपनी गाड़ी साफ़ करने के लिए गैराज में खड़ी कर दी है, तो देख रहे हो ना मतलब। तो अभी बस ये करते हैं, तो फिर इसके बाद बस एक दो जो दूसरे काम वो करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप इंशाल्लाह जल्दी रेगुलर मिला करेंगे आपसे। अब तो हमें बहुत सारे लोग कहना शुरू करते भाई रेगुलर रेगुलर, तो बस होना ही पड़ेगा अब। तो फिर तब तक के लिए दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।